Good morning, class. Today we will discuss about nebulization therapy. So, nebulization therapy, what is the nebulization therapy? First, we will deal definition. Definition is process of dispersing liquid medication into microscopy articles and aerosols and delivering to into lungs and patient inhalations. So, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये एक जस्ट प्रोसेस होता है. हमने पहले लिखा है थेरेपी, तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है. ये क्या करता है, डिस्पर्सिंग लिक्विड मेडिसिन इनटू माइक्रोस्कोपी एंड आर्टिकल. मतलब जो भी क्या है, हम जो लिक्विड मेडिसिन है, नेबुलाइजेशन में क्या होते हैं, हम लिक्विड मेडिसिन इनहेल करते हैं, वो कहाँ तक जाता है, हमारे डायरेक्ट लंग्स तक जाता है. तो इस चीज को हमें क्या करना है, किस चीज से रिलीफ करने के लिए, जो भी क्या है, स्प्यूटम वगैरह है या फिर एडहेसिव या फिर एरोसोल्स वगैरह हैं, वो जो चिपके हुए हैं, उसको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. और यहाँ पर क्या बोला गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोसोल. सो एंड डिलीवरिंग इन टू लंग्स एंड पेशेंट इनहलेशन. तो ये किस किस चीज में हमें हेल्प करता है, समटाइम्स कोल्ड एंड कफ हुआ, पेशेंट का कफ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स हो रही है उसको. प्रॉब्लम्स के टाइम हम क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से वो एक्सपल आउट नहीं कर पा रहे हैं, दैट टाइम वो क्या कर रहे हैं, नेबुलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स को रिलीव करने के लिए. एंड सेकेंड वन इज द पर्पस. पर्पस इज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेंट्स. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. क्या हो रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हमारा क्या है, स्प्यूटम है. स्प्यूटम को क्या कर रहे हैं, वो एक्सपल आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है. वहाँ पर वो मेडिसिन जाके क्या कर रहा है, उसको जो भी ये जो स्प्यूटम क्या हो गया है, जब इस परफॉर्म में तो उसको बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है. क्या हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, क्या होता है, इजी होता है, क्या निकलने के लिए एक्सपोर्टेड. जो भी स्प्यूटम है वो एक्सपल आउट होने में इजी हो जाता है, जो भी हम मेडिसिन देते हैं. एंड सेकेंड वन इज टू रिड्यूस डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ थिक केनेसियस रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस. केनेसियस मतलब अधिशन, मतलब कोई कोई कफ ऐसे होते हैं जिनको चिपक जाते हैं और वो निकलते नहीं है. तो उस चीज़ को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज वायरल कैपेसिटी. तो यहाँ पर क्या करें, हम वाइटल कैपेसिटी इन द सेंस, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, हम जो ऑक्सीजन है ना, तो उसको अच्छे से ले पा रहे हैं और ना अच्छे से उसको बाहर कर पा रहे हैं. तो जो भी हमारे वाइटल साइंस है, जिसमें आ गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है. दैट टाइम हमें क्या करना है, वहाँ पर इंक्रीज करना है वाइटल स्टैटिक्स को. एंड टू रिलीव डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दोनों चीज़ आ रही है, वाइटल साइंस भी आ गई. वाइटल साइंस में क्या हो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्पनिया. डिस्पनिया इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग होगी तो उसका जो वाइटल साइन है वो क्या होगा, नॉर्मल आएगा. एंड सेकेंड वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फर्स्ट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. अब हम किस किस चीज़ में इसको नहीं दे सकते, क्या क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज एक्सेसिव अमाउंट पे क्या बोल रहा है, ब्लीडिंग का. अब कैसे ब्लीडिंग हो सकता है, उसका ट्रैकिया तो नोज पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर माउथ पे ब्लीडिंग हो रही है, फिर ट्रैकिया में हो रही है, फैरिंग्स में हो रही है, विंड पाइप में हो रही है,
या फिर लंग्स में एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे हमें क्या करना है, नेबुलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करना है। एंड सेकेंड वन इज द लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में हम नेबुलाइजेशन क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ जो सर्कुलेशन होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही उसका स्लो जो सर्कुलेशन से बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर, अगर हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, तो पेशेंट को क्या हो सकते हैं, डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अ लिवर प्रॉब्लम। लिवर प्रॉब्लम में क्यों करते हैं हम ये सब, क्योंकि जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको प्रोवाइड करते हैं, जब भी मेडिसिन देते हैं, तो जब वो उस स्पीटम को बाहर करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, लीवर पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। एंड डिक्रीज किडनी फंक्शन। अगर डिक्रीज मतलब यूरिनरी सिस्टम जो भी है वो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो भी उसका यूरिनेशन है वो ड्रॉप ड्रॉप जा रहा है, डिफिकल्टी यूरिनेशन में हो रही है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, नेबुलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ जो किडनी है उसका फंक्शन ऑलरेडी डिक्रीज है, और वहाँ पर अगर आप जबरदस्ती कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज द आर्टिकल्स। अभी तक हमने क्या करा, डेफिनेशन में हमने देखा जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो हम डायरेक्ट लंग्स में देते हैं बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पूटम एलिशंस एरियोसोल, इन सबसे प्रिवेंट करने के। एंड पर्पस में क्या है, जो एडिसिव जो बोला जाए टेनेशियस सिक्रेशन होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी होते हैं उनके रिलीफ के लिए, सेकेंड वन स्प्यूटम एक्सप्रेशन के लिए बोलते हैं हम। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन में ब्लीडिंग हुई, टाइप ऑफ ब्लीडिंग हुई, लिवर फंक्शन के लिवर का जो फंक्शन है वो लो है, या फिर किडनी डिसीजेज है, ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। एंड आर्टिकल्स हम क्या क्या देख रहे हैं, एयर कंप्रेशर, कनेक्टिव ट्यूब, नेबुलाइजर, मेडिकेशन एंड सलाइन सोल्यूशन, स्टराइल वाटर, कॉटन बॉल्स, फेस मास्क, स्प्यूटम कप विथ डिसइंफेक्टेंट, डिस्पोजल टिश्यू, किडनी ट्रे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के पास हमें किडनी ट्रे रखना है। किडनी ट्रे क्यों रखना है, समटाइम्स पेशेंट को क्या हो सकता है, वोमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, हम ये नहीं जानते, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो ये सब साइन सिम्टम उनके में देखे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, किडनी ट्रे वहाँ पर रखना है। डिस्पोजेबल टिश्यूज इन द सेंस जो भी कॉटन बॉल्स होते हैं उसको रखना है हमको वहाँ पर, ताकि हमको क्या कर सके, जो भी नेबुलाइजर है मास्क है उसको हम क्लीन कर सकें। एंड सेकेंड वन इज स्प्यूटम कप विथ डिसइंफेक्टेंट। हम स्प्यूटम कप रखेंगे उसके साथ एक डिसइंफेक्टेंट रखेंगे, चाहे अल्कोहल डिसइंफेक्शन रखें, चाहे उसमें ऐसे बना के रख सकते हैं आप लोग 5% अल्कोहल, 2% ऑफ स्टराइल वाटर, ये सब मिला के रख सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अ फेस मास्क। फेस मास्क में क्या करना है हमें, बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको किसी टाइप के इन्फेक्शन से उसको, तो हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए कॉटन बॉल्स एंड स्टराइल वाटर बिकॉज ऑफ जो हमारा मेडिसिन है, समटाइम्स जो हमारे फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूलिन के साथ उन्होंने क्या कहा कि आप उसके साथ अगर आप एक ड्यूलिन दे रहे हैं 2 ml ड्यूलिन दे रहे हैं तो आप 5 ml उसमें NS मिलाइए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, स्टराइल वाटर रखना है। एंड सेकेंड वन इज़ द मेडिकेशन एंड सलाइन सॉल्यूशंस। जो भी मेडिकेशन है फॉर एग्जांपल ड्यूलिन है, नेबुकार्ड है, ये सब हमको रखना है पास में। नेबुलाइजर मशीन से वहाँ पर रखना है, जिससे हम उसको कनेक्ट कर सकें, कनेक्टिव टिश्यू ट्यूब एंड एयर कंप्रेशन। और हमें क्या करना है वहाँ पर, हमको वाइटल साइंस की जो भी आर्टिकल्स उसको भी पास में रखना है, ताकि हम आपको चेक कर सकें कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। एंड देन प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि हम ये आप लोग पर ये प्रोसीजर करने वाले हैं। प्रोसीजर के टाइम पे हम क्या करेंगे उसको, अगर वो एबल है, अनकॉन्सियस नहीं है, कॉन्सियस है, हम दोनों कंडीशन को देखते हैं। अगर वो कॉन्सियस है और अनकॉन्सियस है, तो कॉन्सियस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि हम आपके ऊपर नेबुलाइजेशन प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हैं, उनको उनके बेनिफिट्स बताने हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है उनको बताना है, उनको उनकी लैंग्वेज भी समझाना है। देन सेकेंड चीज़ उनको क्या करना है, अगर अनकॉन्सियस पेशेंट है तो उनके फैमिली मेम्बर को इन सब प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई पेशेंट एंड चेक फिजिशियन इंस्ट्रक्शन एंड नर्सिंग केयर प्लान। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले फिजिशियंस ऑर्डर देखेंगे। फिजिशियंस ऑर्डर में क्या लिखा है,
उसको पढ़ेंगे, अगर वहाँ पर लिखा है कि अगर आप दे सकते हैं नेबुलाइजेशन डन, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, नेबुलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो हमें नेबुलाइजेशन नहीं देना है। एंड सेकेंड वन इज अ मॉनिटर हीरेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट एंड यूजिंग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ब्रोंकोडायलेटर में भी कॉज टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, नॉजिया और नर्वस सिस्टम, तो हमें क्या करना है, जो भी मॉनिटर्स है, जैसे हमने अभी ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ क्या किया, वहीं पर नेबुलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको एनी टाइप ऑफ डिजीनेस, टैकीकार्डिया, ये सब कंडीशन अराइज हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है पेशेंट का कि इस अभी ब्रोंकोडायलेटर लिए तो हम इसके 1.5 आवर्स में उसको नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, दिस थेरेपी डिपेंड ऑन द पेशेंट अफोर्ड। हमें क्या करना है, वहाँ पर पेशेंट को प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड वन इज़ अ प्लेस पेशेंट एंड कम्फर्टेबल सिटिंग एंड सेमी फॉलो। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को हम सेमी फॉलो पोजिशन देंगे। सेमी फॉलो पोजिशन में क्या, सेमी फॉलो पोजिशन मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड वन इज अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या करेंगे, उनको सुपाइन पोजिशन ही देंगे उनको प्रॉपरली, एंड थोड़ा सा एड्स ऑफ बेड करेंगे हेड साइड। एंड सेकेंड वन इज जब हम उनको नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम पे हमें स्पूटम को और जो भी किडनी ट्रे है उनको पास में रखना है और वहाँ पर हमें मास्क लगा के रखना है। अगर वो प्राइवेसी चाहते हैं तो प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है, वहाँ पर हमें पूरे आर्टिकल्स के एक्सप्लेन करना है उनको। एंड सेकेंड वन इज वहाँ पर क्या करना है, हमें उनको कम्फर्टेबल पोजिशन देने के बाद हमें प्रॉपरली उसको इलेक्ट्रिकल से उसको कनेक्ट करना है नेबुलाइजर को, और हमें मेडिसिन चेक करना है कि फिजिशियन ने कौन कौन सी मेडिसिन उसमें प्रोवाइड किया है। अगर वो मेडिसिन है तो हमें वही परफॉर्म करना है, अगर नहीं है तो हमें परफॉर्म नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूलिन बोला गया है, तो ड्यूलिन के साथ अगर वो उन्होंने कोई स्टेराइड बॉटल बोला है, फिर नॉर्मल स्टेराइड बॉटल में डालने के लिए, समटाइम्स ऐसे होते हैं कि कुछ पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब वो नॉर्मली जस्ट उनको सर्दी जुकाम टाइप लगता है, जस्ट थोड़ा सा कफ आता है, उस टाइम पर क्या करते हैं वो लोग नॉर्मल सलाइन ड्यूलिन थोड़ा बहुत देख के उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समटाइम्स डीप जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड करने के लिए बोला जाता है, ताकि वो क्या हो सके, जो भी मेडिसिन है वो अंदर जाए और एक वो दोनों मिक्स होकर क्या करें, वो जो भी स्यूटम है उसको थिन करने में हेल्प करती है। देन इसके बाद क्या करना है, पेशेंट को स्प्रे करने के बाद, पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजीशन देने के बाद उसको क्या करना है, मास्क क्लीन करना है, पहले उससे पहले क्लीन करना है, हमें एक बार पेशेंट के सामने क्लीन करना है, लेकिन हमें मास्क और ग्लव्स पहन के क्लीन करना है। देन इसके बाद क्या करना है, क्लीन करने के बाद उसको डिस्कार्ड करना है किसी पेपर बैग में, उसको क्लीन करने के बाद किडनी ट्रे में हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ किडनी ट्रे में हम वेस्ट मटेरियल से डाल सकते हैं और ड्राई मटेरियल से किसी पेपर बैग में डालते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मास्क हमको सिचुएट करना है उसके फेस पे, अकॉर्डिंग टू उसके फेस हमें क्या करना है, उसको टाइट फील ना हो ज़्यादा और कंफर्टेबल रहे। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद हमें चेक करना है कि पेशेंट को कफ तो नहीं आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कॉम्प्लिकेशन चेक करेंगे। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है और पेशेंट को हम 3 to 5 मिनट्स हम उसको नेबुलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत डीप है तो हम उस टाइम पे 5 to 7 या 8 मिनट्स हम दे सकते हैं। देन इसके बाद हम नेबुलाइजेशन देने के बाद उनके जो फेस है उसको वाइप करेंगे, वाइप करने के बाद उनको कम्फर्टेबल उनको बोलेंगे कि अगर आपको स्पूटम आ रहा है, कफ आ रहा है, तो आप क्या करिए, उसको एक्सपल आउट करिए। अगर नहीं आ रहे तो हमें थोड़ा सा पीछे से थपथपी देना है, ताकि उसको क्या सके, उसके स्पूटम्स क्या हो बाहर आ सके। फिर वो जब स्टूडेंट्स अगर बाहर आ रहे हैं तो हमें स्टूडेंट को उनको प्रोवाइड करना है, ताकि वो अच्छे से उभर सके। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा डीपली आ रहा है तो हमें उसको नॉर्मल वाटर से उसको क्या करना है, जस्ट गर्वी करने के लिए बोलना है, उसको पानी को निकालने के लिए बोलना है। देन सेकेंड चीज़, उसको कम्फर्टेबल पोजिशन देना है हमें, और जो भी मटेरियल से जो भी आर्टिकल्स है उसमें हमें क्लीनिंग के लिए भेजना है। देन सेकेंड चीज़, हमें कॉम्प्लिकेशन चेक करना है, वाइटल साइन लेना है पेशेंट का, कोई किसी प्रकार का टाइप कार्डिया तो नहीं है, ब्रेडी कार्डिया तो नहीं है, या फिर टैकीपनिया, ब्रेडिकनिया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चेक करेंगे। देन इसके बाद पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, आफ्टर केयर ऑफ द आर्टिकल्स करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है इसके, इफ इंडिकेट प्रोवाइड नेबुलाइजेशन यूजिंग ऑक्सीजन सोर्सेज। हमें क्या करना है, हमें उसको ऑक्सीजन सोर्सेज से ही कनेक्ट करना है। मतलब क्या होता है, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि जो
नॉर्मल वे पे होता है वो हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ऑक्सीजन पाइप होते हैं उनसे ही कनेक्ट करना है ताकि उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो उनके अंदर. सो दिस आर द टॉपिक इज कंप्लीटेड. सो माई टॉपिक इज कंप्लीटेड. थैंक यू.